दोस्तों, अगर आपको एक 4G स्मार्टफोन खरीदना है और सस्ते दाम में भी खरीदना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5000 से लेकर 7000 के बीच में आपको अलग अलग ब्रांड के स्मार्टफोन के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दे रहे। तो इस वीडियो का आप बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि आप जब फ़ोन खरीदने जाओ तो आपको इस वीडियो की मदद से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, IT नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अजीत। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना वेस्ट किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ओर से आप और आपके संपूर्ण परिवार को क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने यहाँ पर आपके लिए 3 फ़ोन लेके आए, जिसमें आपका पहला है सैमसंग का फ़ोन, एक है आपका नोकिया का फ़ोन, एक है आपका शाओमी का फ़ोन। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर सैमसंग से शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सैमसंग की ओर से सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर, जिसमें हमें यहाँ पर डिस्प्ले मिल रही है 5.3 इंच का TFT डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिल रही है। प्रोसेसर यहाँ पर हमें मिल रही है मीडियाटेक का MT6731 प्रोसेसर, जिसमें हमें 1.5 GHz स्पीड के साथ हमें क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रही है। बैक कैमरा यहाँ पर हमें 8 MP का ऑटो फोकस के साथ हमें LED फ्लैश भी यहाँ पर मिल रही है। फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा हमें यहाँ पर मिल रही है 5 MP। रैम हमें यहाँ पर मिल रही है 1 GB रैम, जिसमें हमें स्टोरेज मिलेगा 16 GB का इंटरनल स्टोरेज। इसको हम लोग एक्सपेंडेबल अप टू हम इसको हम कर सकते हैं 512 GB तक। इसको हम लोग SD कार्ड की मदद से इसको बढ़ा सकते हैं। बैटरी हमें यहाँ पर मिल रही है 3000 mAh बैटरी, जिसमें हमें एक चीज़ या कमी है कि इसमें हमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही, यानी कि आपको थोड़ा सा टाइम देकर इसको चार्ज करना होगा। OS हमें यहाँ पर मिल रहा है एंड्रॉयड 10, जो कि लेटेस्ट है एंड्रॉयड। और आपको यहाँ पर ग्राफिक्स मिल रही है पावर VRGE 8100 का। रेजोल्यूशन भी इसमें हमें एक एवरेज मिल रहा है, यानी कि आपको 720x1480 पिक्सल का आपको रेजोल्यूशन यहाँ पर मिलेगी। फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पर इसमें अवेलेबल नहीं है। सिम स्लॉट यहाँ पर आपको डुअल सिम स्लॉट मिलेगा, यानी कि दोनों ही आपका 4G सिम स्लॉट होगा, इसमें आप 3G 4G चला सकते हो। प्लस इसमें आपको डेडिकेटेड SD स्लॉट भी मिल जाएगी। दोस्तों, इस फोन के प्राइसिंग की बात किया तो हमें ये इंडियन मार्केट में दो अलग वेरियंटे मिलेगा। एक है आपका 1 GB रैम के साथ आपका 16 GB इंटरनल स्टोरेज साथ हमें ये मिल रही है मार्केट में 4999 में। और इसका दूसरा वेरिएंट है आपका 2 GB रैम के साथ 32 GB इंटरनल स्टोरेज साथ हमें ये मिल रही है 5999 में। तो यहाँ पर आप मेमोरी के हिसाब से दो अलग अलग वेरिएंट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। दोस्तों, हमारे लिस्ट में दूसरा 4G स्मार्टफोन है आपका नोकिया का C3, जिसमें आपको डिस्प्ले मिल रहा है 5.99 इंच का IPS डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिल रही है। 720x1440 पिक्सल का हमें यहाँ पर इसमें रेजोल्यूशन मिल रहा है। प्रोसेसर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा यूनिसॉक का SC9863A प्रोसेसर, जिसमें आपका 1.6 GHz का ऑक्टा प्रोसेसर हमें यहाँ पर मिल जाती है। रैम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 GB रैम का सपोर्ट, जिसमें हमें ग्राफिक्स कार्ड मिलेगी IMG8322 ग्राफिक्स मिलेगी, जिसमें हमें बैक कैमरा मिलेगी 8 MP विथ LED फ्लैश। फ्रंट कैमरा का बात करते हैं, यहाँ पर हमें फ्रंट कैमरा मिल जाती है 5 MP का फ्रंट कैमरा, जिसमें हमें स्टोरेज मिल जाती है 16 GB का इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट, जिसको हम लोग 128 GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हैं थ्रू अपना SD कार्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यहाँ पर मिल रहे हैं एंड्रॉयड 10। बैटरी भी लगभग लगभग उतना ही है आपका M01 कोर जितना ही इसमें आपको बैटरी मिल जाएगा, 3040 mAh का बैटरी का सपोर्ट। इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है कि 18 W का फास्ट चार्जिंग का सुविधा दी, यानी कि हम लोग उस फोन से थोड़ा ज़्यादा यानी कि कम समय में इसको हम लोग चार्ज कर पाएंगे। फिंगरप्रिंट भी इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएगा, यानी कि आप इसको फिंगरप्रिंट इसको लॉक कर सकते हो। इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा 2 आपका 4G सिम स्लॉट, यानी कि आपको 4G 3G सिम चला के आप चला सकते हो 2 सिम चलाकर। प्लस इसमें एक आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगा, यानी कि आप अलग से SD कार्ड भी इसमें लगा सकते हो। दोस्तों, इस फोन के प्राइसिंग की बात किया तो हमें ये इंडियन मार्केट में मिल जाती है 6500 से लेकर आपका 6999 के अंदर में। दोस्तों, हमारे लिस्ट में तीसरा और अंतिम 4G स्मार्टफोन है आपका Xiaomi का Redmi 8A Dual, जिसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा 6.22 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले हमें इसमें मिल रही है। रेजोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर हमें रेजोल्यूशन मिल रहा है 720x1520 का पिक्सल का रेजोल्यूशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। प्रोसेसर हमें यहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें हमें 1.95 GHz प्लस 1.45 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर हमें यहाँ पर मिल रही है। रैम का बात करते हैं, अब हमें रैम का सपोर्ट मिल रहा है 2 GB रैम का सपोर्ट। इसमें हमें ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल रहा है Adreno 505 का ग्राफिक्स का सपोर्ट। अगर स्टोरेज का बात करते हैं, अपने हमें इंटरनल स्टोरेज मिला है 32 GB का इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट, जिसको आप बढ़ा सकते हो 512 GB तक थ्रू अपना SD कार्ड। बैक कैमरा का बात करते हैं, अपने हमें बैक कैमरा मिल रहा है 13 MP प्लस 2 MP, जिसमें हमें LED फ्लैश की भी सुविधा मिल रही है। फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा का बात करते हैं, हमें सेल्फी कैमरा में 8 MP का सेल्फी कैमरा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हमें मिल रही है एंड्रॉयड पाई।
बैटरी इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है दूसरे फ़ोन से, जिसमें आपको 5000 mAh के बैटरी का सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलेंगे, यानी कि आपको इसको कम समय में इसको चार्ज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट इसमें आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर इसमें स्लॉट का बात करें तो सिम स्लॉट आपको इसमें दो मिलेगा, यानी कि आपको दो आप 4G सिम स्लॉट लगा सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको अलग से एक SD कार्ड का भी स्लॉट दिया गया है। दोस्तों, इस फोन की प्राइसिंग की बात किया है तो ये भी हमें लगभग 7000 के अंदर में ये हमें हमारे हाथ में मिल जाएगी। ये सभी फ़ोन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है ये फ़ोन को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप इस फ़ोन को परचेस भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन सा फ़ोन लूँ, यहाँ पर देखिए तीनों ही फ़ोन तो मुझे सही लगा तो ठीक ठाक लगा, तो आप यहाँ पर बजट के हिसाब से जा सकते हैं। अगर आपका बजट टाइट है, अगर नहीं आपको 5000 के अंदर ही आपका फ़ोन चाहिए, तो आप यहाँ पर सैमसंग की ओर शिफ्ट कर सकते हो, जिसमें आपका M01 कोर मिला, जिसमें आपको बेसिक सा रैम, बेसिक सा बैटरी, कैमरा भी ठीक ठाक मिला। तो अब देखिए आप कितना एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 5000 में, तो वो फ़ोन आपके लिए सही रहेगा। आपका एक स्मार्टफोन मिल रहा है आपको 5000 के अंदर में। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा मतलब ये कर सकते हो, तो आप यहाँ पर Xiaomi की ओर जा सकते हो, जिसमें आपका Xiaomi का Redmi 8A आपका यहाँ पर डुअल मिला, जो कि आपका काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको बैटरी भी इसमें आपको अच्छा मिल रहा है, कैमरा वगैरह सब कुछ आपको ठीक ठाक मिल रहा है। तो मेरे ओर से अगर आपको एक चूज़ करके आपको देना पड़े, तो आप यहाँ पर मेरे हिसाब से आप यहाँ पर Xiaomi की ओर जा सकते हो। तो 7000 आप इसमें पे करोगे तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड आपको फ़ोन मिल जाना है। दोस्तों, अगर आपको स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, जैसे आपका प्रोसेसर क्या होती है, रैम क्या होती है, OS क्या होती है, इसका फंक्शनिंग क्या होता है मोबाइल में, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना हो, तो हमने इसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं स्मार्टफोन नॉलेज नाम से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपका उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर उसको पहले देखिएगा, तो आपको फ़ोन का चयन करने में, आपको फ़ोन खरीदने में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि कौन सा फ़ोन आपको सही लगा। हम ऊपर वाले प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आने वाला नया साल आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए शुभ हो। विश यू ऑल द बेस्ट।